हरिओम आदेश आदेश आदेश। मैं ओगुड़ कालूराम गांव सुल्तानपुरा में, मेरा अभी वर्तमान का जो एड्रेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। और आज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक शब्द है, अगर उस शब्द को आप जाप कर लेते हो तो आपकी समस्त मनोकामनाएं और सार्वजन वशीकरण होता है, वो भी सात्विक कर्मों के लिए। ध्यान से सुनिए आप। लेकिन इससे पहले मैं एक आपको बात बोलना चाहता हूँ, वो आप कृपया करके ध्यान से सुने और दूसरों को भेजें और इसको शेयर जरूर करें। सर्वप्रथम मैं एक बात बोलता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ओगड़ बाबा कालूराम के नाम से अनेक तरह के फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो मेरे बारे में और मेरे आश्रम के बारे में गलत चीज़ें वो लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे आश्रम को बदनाम करने के लिए। तो आप उन लोगों पे मत जाइए, क्योंकि वो जो फ्रॉड लोग है, फ्रॉड लोग का मतलब है कि मैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे खुलेआम बोलता हूँ कि मैं सबका फ्री में इलाज करता हूँ, आश्रम पे भी ऐसे ही होता है और किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। जब मेरी वीडियो वो लोग देखते हैं जो ऑनलाइन पे अपने खाते में पैसे डलवा कर जनता को उल्लू बनाते हैं या जनता को परेशान करते हैं, पैसे डलवाने के बाद वो उसको ब्लॉक कर देंगे, तो मैं ऐसे बोलता हूँ तो उस लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं और बंद हो जाती हैं। इसलिए वो मेरे को और मेरे आश्रम को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ भी मेरे नाम से डाल देते हैं और डाल रहे हैं। अगर किसी भी भगत को हमारे आश्रम पर आना है या आना चाहते हो तो आपको राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा में आना है, आप आ सकते हो। आश्रम पर मेरी बैठक होती है सिर्फ शनिवार, रविवार और सोमवार को, 3 दिनों तक मैं आश्रम पर मिलता हूँ। मेरे से बात करने का समय है सुबह 8 से 10 और शाम को 8 से 9 तक, यह है मेरे से बात करने का समय। तो आप इस समय मेरे से बात कर सकते हो। किसी भी भगत को किसी भी तरह की समस्या या बीमारी तकलीफ है तो वो लोग हमारे आश्रम पर आ सकते हो। यहाँ पर बीमारी के नाम से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है और निःशुल्क इलाज किया जाता है। सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं को सभी को आदर सत्कार से बात की जाती है आश्रम पे और व्यवस्थापूर्ण आपका काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, मैं भी एक राजस्थानी हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जितने भी चोर और फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से लोगों को लूट रहे हैं और मेरे ही नाम पे गलत वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिसकी दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया पे मेरे नाम से कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी। तो सभी प्रिय माताओं बहनों भाइयों, एक बात आप कान खोल के सुन लेना कि कभी भी किसी के अकाउंट में सोशल मीडिया के जरिए आप पैसे ना डलवाएं, क्योंकि वो लोग चोर लोग हैं और फ्रॉड लोग हैं, अगर उसके अकाउंट में पैसे जाते ही आपको ब्लॉक कर देगा। मैं मेरा पूरा आश्रम का एड्रेस सोशल मीडिया पे डालता हूँ और पूरा एड्रेस यहाँ का मैं पोजीशन बताता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी बात का डर नहीं है और ना ही मैं किसी से डरता हूँ, खुला बोलता हूँ और खुला काम करता हूँ, ना किसी से पैसा लेता हूँ, मैं गुरुमुखी आदमी हूँ, गुरु भगत आदमी हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे जो गलत वीडियो डालते हैं वो चोर हैं, लुटेरे हैं साले, उसके माँ बाप ने, उसका माँ बाप का दूध भी उसको कर्म में अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसके माँ बाप भी शायद ऐसे ही होंगे, इसीलिए वो साले ऐसे गलत कर्म करते हैं। तो जय भैरवनाथ। अब मैं बताता हूँ आपको एक
सर्वजन वशीकरण सिर्फ गुरु की मार्गदर्शन पर करें, बाकी ना करें। जय भैरवनाथ। साबर मंत्र है, राजस्थानी में साबर आता है, हर देश की भाषा में साबर मंत्र आता है, तो मैं आपको आज बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। थने समरू माता नारसिंगी, दिन में सो बार आकाश की कामणी, पाताल की नार सिंदूर तरिया के पास कर दे मेरे साथ, हिंगलाज रानी चार वेद पट जानी, चामुंडा आगे चक्कर चले मजे फेर अगवाणी, धन धन धनो प्राणी, राज में रीत में पंचा में प्रीत में आके समाराणी। यह एक साबर मंत्र है, इसको आपको 21 दिनों तक रोज एक माला का जाप करना है। गुरु मुख से करिए, गुरु मुख से ग्रहण करिए, आपको सफलता मिलेगी, बाकी ये काम नहीं करेगा। हाँ, अभी और गुरु पूर्णिमा आ रही है पास में 5 जुलाई को, तो आप कहीं भी अपने गुरु के स्थान पे जाकर और गुरु बनाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। तो जिस को भी मेरे भाइयों बहनों को ये वीडियो मिले, तो इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी मेरे को यूट्यूब कंपनी से और यूट्यूब से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही मेरे को कोई भी पैसा कमाने का शौक है। गुरु कृपा और भैरव बाबा की कृपा से यहाँ पे भी बहुत यात्री आ जाते हैं, जो यहाँ पे गौशाला का काम भी चल रहा है और आश्रम का काम भी चल रहा है। मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगता हूँ, देने वाला ऊपर है, देता तो छप्पर फाड़ के देता है, मनोकामना वो पूरी करता है, हमारी तृष्णा से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो ये लोग मेरे नाम से अगर गलत वीडियो डाल रहे हैं या मेरा आश्रम का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो वो अपनी माँ की औलाद नहीं है, उसकी माँ कहीं और से या किसी दूसरे से उसको लाई हुई है, इसलिए वो ऐसे गलत काम करते हैं। जय भैरवनाथ, खुश रहो। मैं ऐसे शब्द कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से परेशान हो चुका हूँ जो गलत वीडियो बनाते हैं। जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा।